हाय सर। हेलो सर, नीरज कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था। मैं आज कम से कम 2 साल बाद लाइव आया हूँ आपके अच्छा पास। अच्छा कहाँ से बोल रहे हो आप? हिमाचल से बोल रहा हूँ सर, कांगड़ा से। हाँ कांगड़ा से? ठीक है, बताइए क्या सवाल है जी आपका। सर, मेरे ना कम से कम 1 साल हो गया मेरे को पिगमेंटेशन है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे साइड करके। अभी तो यहाँ ऊपर तो नहीं हुआ, पर मैं सनस्क्रीन का यूज करता हूँ थोड़ा बहुत उसका डेली ममाजात का। और ये पिगमेंटेशन है ये मेरी 1 साल से है। तो आप तो कितना मैं थोड़ा वक्त हो मेरे गया को पिगमेंटेशन, जी सर, कितना वक्त हो गया पिगमेंटेशन को? सर एटलीस्ट कम से कम 2 साल होने को होंगे। दो हाँ तो आपने जी कोई चीज फॉलो करी है मेरे वीडियोस देख के? हाँ जी सर, मैंने फॉलो करी जैसे अपना, मैंने एक प्रोटीन शेक फॉलो करा हुआ था अपना, मेरे को याद नहीं अभी, पर मैं उसको करा हुआ था। मैंने उसके आपके यूट्यूब पे देखा हुआ था, वो सारी फॉलो कर रहा था। पर बीच में भी जैसे ये डाइट शूट की थी, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटीज होती है, तो नाइट ड्यूटीज में इतना या मैं वर्कलोड होता है कि मैं काम नहीं कर पाता हूँ, तो बीच बीच में मेरी वो छूटती गई थी। फिजिकल अच्छा चलो, ये बताओ मुझे आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है? एक्टिविटी सर थोड़ा बहुत जिम का करता हूँ शाम को, मॉर्निंग तो हो नहीं पाता है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाता, क्योंकि नाइट ड्यूटी करता हूँ तो शाम को करता हूँ, देखो एक टाइम ही हो पाता है। रेगुलर जिम जाओ, हफ्ते में कम से कम 6 दिन जिम जाओ, ठीक है? जी 6 दिन, जी बेशक आप 1 घंटा लगा के आ जाओ, चाहे 40-45 मिनट लगा के आ जाओ, पर जिम आप रेगुलर जाओ, ठीक है? जिम जी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है? मैं जी फीमेल्स को बोलता हूँ वॉक कर लो, लेकिन जिम से जो अच्छा आपको ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा वो कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है? तो पहले जिम के ओके लिए आप रेगुलर होना है, ठीक है? चलो, आप दूसरी बात आती है, आप क्या करते हो, मतलब जॉब क्या करते हो आप? हाँ सर, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ मैं हिमाचल में, अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। नाइट शिफ्ट होती है आपकी? कभी कभी सर नाइट होती है, कभी डे होती है, हफ्ते में 2 दिन कभी नाइट होती है कभी डे होती है। धूप में ज्यादा तो नहीं रहना पड़ता ना आपको? नहीं धूप में सर, मैं हिल स्टेशन पे थोड़ा रहता हूँ, तो धूप तो इतनी ज्यादा होती नहीं है वहां पे, उनकी बरसात का मतलब ये बारिश रहती है और ठंड रहती है। चलो, आप डाइट पे आते हैं, आप डाइट बताओ, मॉर्निंग से इवनिंग तक जनरली आप क्या डाइट लेते हो? मॉर्निंग सर मेरी डाइट इतनी ज्यादा तो है नहीं है, मैं चपाती और सब्जी और चाय वगैरह मैं पीता नहीं हूँ। कई बार ग्रीन टी लेता हूँ अपना सेकंड टाइम में, खाना ठीक खाने है, के कोई क्या 1-1.5 घंटे बताओ, बाद। आप क्या खाते हो सुबह? आपने चपाती सब्जी खाई, उसके बाद फिर क्या खाते हो बताओ? मतलब खाने में सर की ड्यूटी रूटीन में नहीं, पूरी रूटीन में आप डाइट क्या लेते हो, कैसे कैसे? कल आपने डाइट क्या क्या ली थी सुबह से इवनिंग तक बताओ मुझे, सर मुझे थोड़ा आइडिया ये डाइट में क्या वही खाती कि हाँ सर सिंपल डाइट है मेरी, को ज्यादा डाइट में है। लेता नहीं, कोई प्रोटीन शेक लेता अरे नहीं वही सर। तो पूछ रहा हूँ दोस्त। हाँ चपाती चपाती सब्जी है, अच्छा ठीक है, चपाती सब्जी है सर मॉर्निंग में, दोपहर में मैं चावल और दाल, चावल और सैलेड, अच्छा ठीक दाल चावल, और और रात में फिर वही चावल दाल सब्जी और अपना वो चपाती, और कई बार हो सके तो दूध ले लेता हूँ, ये मेरी डाइट है पूरे ठीक है दिन ठीक है। देखो, की। डाइट में ना, डाइट में बहुत कमी है आपके, ठीक है? तो आपको करना क्या, एक वे प्रोटीन पाउडर ले लो आप याद से, ठीक जी है? क्योंकि ओवरऑल प्रोटीन की थोड़ी कमी है, एक वे प्रोटीन पाउडर ले लो, ठीक है? दूसरा यह है कि अपनी डाइट में ना सोया सोया चंक की कभी सब्जी बना ली आपने, कभी सत्तू आप डेली बेसिस पे ले लो, 4 बड़े चम्मच एक ग्लास में लोगे तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल जाएगा। एक स्कूप आपने वे प्रोटीन ले लिया, एक आपने सत्तू ले लिया, आपकी ओवरऑल प्रोटीन बैलेंस हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है? फिर डाइट में जी तो फ्रूट खाना जरूरी है, जब भी आपको वक्त मिले तो आपने जो आपके सीजन के जो फल आते हैं, एक दो फल रोज खाया करो, ठीक है? मुट्ठी भर जी थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रखना है, अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो पीनट्स भी उतना ही काम करेंगे जितना ड्राई फ्रूट्स काम करेगा, ठीक है? पीनट्स ओके आप अपने बैग में रख लो, जेब में रख लो, मुट्ठी भर आपने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। और या तो आप ऐसा करो, आप रात को ओट्स, ड्राई फ्रूट और सीड्स भिगो दो, ठीक है? ये ओवरऑल आपके ओट्स की मील बन जाएगी, है ना? ब्रेकफास्ट में ओके ऐसा कर लो, आप 1 कप दूध में ओके आपने ओट्स भिगो दिए, 2 चम्मच आपने चिया सीड भिगो दिया, मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स उसमें भिगो दिए, अगर केला डालना केला डाल लो उसमें, ठीक है? मैं तो सर उसमें आपकी जो मॉर्निंग में यूट्यूब पे देखी है उसमें ओट्स में केला या एप्पल डाल लेता हूँ, एक अपना उसको क्या बोलते हैं सर अपना, एक आप बताते हो वो गर्म होती थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उसको, दाल चीनी क्या बनाता है, सिनेमन, सिनेमन सिनेमन डालना, सिनेमन पाउडर थोड़ा सा आपने वो डालता डालना, हूँ। ठीक है? अगर हाँ अगर और भी कुछ डालना तो उसमें एक एक स्कूप वे प्रोटीन भी डाल सकते हो आप, वे जी प्रोटीन वो से भी ले सकते हो, आपका हाँ पूरा वो एक बाउल में आपका सब कुछ आ गया, उसमें उसमें सीड्स आ गया, ड्राई फ्रूट्स आ गया,
अब फ्रूट भी आ गया उसमें, ओट्स भी आ गए, वे प्रोटीन डालना वो डाल दो, ठीक है। तो ये तीन, और पीनट बटर 2 चम्मच आपने रोज खाने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, फ्रूट्स हो गया आपने सीजन के खाने हैं, फिर मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाना है, सीड्स खाना है, ओट्स में डाल के सब कुछ मिक्स कर लो, ये ओवरऑल आपका एक अच्छा वो बन जाएगा, साथ में आपकी प्रोटीन हो गई, ठीक है। सर अगर फिश ऑयल कैप्सूल नहीं खाने हो तो, देखो फिश ऑयल कैप्सूल अगर आपको लगता है आप वेजिटेरियन है फिश ऑयल नहीं खाने, तो वेजिटेरियन ओमेगा 3 भी आता है, ठीक है। फिश ऑयल में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 वेजिटेरियन भी आता है, तो अगर वो नहीं लेना कोई बात नहीं, कोशिश करो घर का खाना सरसों का तेल या देसी घी में बनाओ, बस उसमें आपको थोड़ा बहुत ओमेगा 3 मिल जाता है, ठीक है। तो फिश ऑयल लेना जरूरी नहीं है, वेजिटेरियन आते वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इन चीजों को फॉलो करो, और दही थोड़ी सी जरूर खानी है अपने लंच में जब भी आप खाते हैं, ठीक है। तो ये डाइट फॉलो करो, डाइट में ना आपके बहुत कमियां हैं, ठीक है। देखो ये मेन होता है आपकी प्रोटीन की कमी से, और कई मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से होता है। जब आपकी डाइट बैलेंस हो जाएगी, आप रेगुलर जाना है जिम रेगुलर आपने जाना है, एक तो टाइम आपको सर होगा तो चलेगा क्या? मॉर्निंग टाइम में मेरे को कई बार टाइम लगता है और कई बार टाइम नहीं लगता है मॉर्निंग में, तो मैं शाम का टाइम तो पक्का होता है मेरा, ठीक है। देखो कभी भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु मान सर आते हैं वो रात के 2:30 बजे भी वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो 24 घंटे में कभी भी आपको वक्त मिले अपने हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से आप वर्कआउट करो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। okay, मैंने भी नाइट शिफ्ट में काम किया था, मेरे नाइट शिफ्ट में पिगमेंटेशन हुआ, नाइट शिफ्ट में ही मैंने ठीक किया उसको जी। अपनी थोड़ी सी मल्टीविटामिन अगर किस चीज का, अगर प्रोटीन भी और अपना मल्टीविटामिन और ये अपना ये दो चार चीजें किस कंपनी से लेनी चाहिए सर, मेरे को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर तुम 2 टाइम सलाद खा रहे हो, हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हो, तो आपको मल्टीविटामिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन अगर आप लेना है तो मेरा ना कोई भी YouTube का वीडियो देख लेना, आप कोई भी YouTube का वीडियो देखोगे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, Amazon से मंगा लो आप आराम से वो ले सकते हो, ठीक है। बस प्रोटीन आपने याद से लेना है वो, बाकी आपकी डाइट में जो कमियां हैं मैंने बता दी, इसको फॉलो करो, और टेंशन नहीं लेनी किसी की, जितना स्ट्रेस लोगे उतना हार्मफुल रहेगा। तो तो कुछ नहीं है, पर ये जो नाइट ड्यूटी की होती है, नाइट ड्यूटी में कभी उठ जाते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी सो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती है। देखो ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे ना बॉडी को फिर आदत पड़ जाती है। मैंने तो बहुत साल तक नाइट शिफ्ट करी है, तो कोई बात नहीं, बस ये है कि जो भी करो एंजॉय करके करो और चीजें फिर बैलेंस हो जाएंगी। ओके दोस्त, चलो थैंक यू, मतलब लाइव आए, अपना ख्याल रखो। तो ये थे नीरज, इनकी डाइट में जो कमियां थी मैंने बता दी हैं उनको। चलिए किसी और को लाइव लेते हैं, जो शख्स भी लाइव आना चाहता है बस लाइव कमेंट कर दे, कमेंट में लाइव लिख दे, मैं उसको ले लूंगा, ठीक है।